और अब बात सूर्य नगरी जोधपुर की करते हैं, जहां राजस्थानी कलाकारों ने राजस्थानी फिल्मों को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी का आग्रह किया है। साथ ही राजस्थान सरकार की ओर से शूटिंग के लोकेशन लायक जिलों में फिल्म सिटी स्थापित करने की भी मांग की है। वहीं जोधपुर के वरिष्ठ कलाकार कमल अवस्थी और नवीन बोराना के मुताबिक अगर ऐसा होता है तो राजस्थान सरकार को अच्छा राजस्व मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि इससे कला के साथ साथ कलाकार भी प्रोत्साहित हो सकेंगे। इस दौरान उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता राजू गौड़ ने। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हर किसी को उम्मीद है कि विकास होगा, अलग अलग क्षेत्र में विकास होगा, मगर जो राजस्थानी कलाकार हैं, जो हिंदी फिल्मों में, साउथ की फिल्मों में भी काम करते हैं, उनको भी कई सारी उम्मीदें। इस वक्त हमारे साथ में वरिष्ठ कलाकार कमल अवस्थी भी हैं और नवीन बोराना भी। इन दोनों की जो सोच है उससे बात करते हैं कि क्या किस तरह की जो डिमांड है नई सरकार से आपकी है। हमारी ये है कि सरकारें सभी आती है, हमारी कांग्रेस या बीजेपी से ये नहीं है। बेस जो मुद्दा है वो है कि सिनेमा को एक उचित प्लेटफॉर्म मिले, राजस्थानी कलाकारों को एक स्थान मिले जिससे कि राजस्थानी फिल्में का बढ़ावा मिल सके उनको। जैसे कि आज जो दूसरी गवर्नमेंट्स है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, यूपी में है, उनको बहुत अच्छी सब्सिडी मिलती है सरकार के द्वारा। और रही बात सिनेमा के लिए पुरुषों पैसा लगाता है और सिनेमा हॉल में पहुंचती है फिल्म, तो वो भाड़ा उसका सिनेमा हॉल का इतना ज़्यादा होता है कि आदमी एक प्रोड्यूसर पब्लिसिटी करे या फिल्म चलाए तो सबसे महंगा हो गया। तो इसलिए कलाकार के हाथ में ढाक के तीन पात बहुत कम पैसा मिलता है जिससे कि उसकी रोजी रोटी चल नहीं पाती है। आपका क्या कहना है, क्या सरकार को करना चाहिए? देखो, मैं चाहता हूँ राजस्थानी सरकार से राजस्थानी में भाषा में जो फिल्में बनती है उसके लिए राजस्थानी फिल्मों को स्पेस मिले, एक ऐसा स्टूडियो हो जैसे दूसरी गवर्नमेंट दूसरी स्टेट में, हैदराबाद में रामोजी है, मुंबई में फिल्म सिटी है, ऐसा राजस्थान में भी हमारी सरकार एक स्पेस दे और वहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री डेवलप करने का मौका दे, जहाँ पर राजस्थानी फिल्मों वाले धड़ल्ले से शूटिंग कर सकें, उनको फाइनेंशियली दिक्कत ना। आपको लगता है कि केवल राजस्थान ही नहीं, साउथ और इंग्लिश मूवीज को भी और सरकारों को रेवेन्यू मिल सकती है ऐसे स्टूडियो अगर सरकार अपने स्तर पर स्थापित करे तो? बेशक मिल सकती है, सबको फायदा मिल सकता है, क्योंकि अगर राजस्थानी फिल्में वहाँ बनेगी, राजस्थानी पसंद करने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं, उनको अच्छी चीज़ मिलती है तो देखते हैं। और विदेशों में मेरे रिलेटिव्स भी हैं विदेशों में, हमारी राजस्थानी फिल्मों की सीडीज़ ले जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं। अगर हमारे पास ऐसा स्पेस होगा, फिल्म सिटी होगी, वहाँ पर शूटिंग होगी, वहाँ की जगह जगह वहाँ पे जाएगी, वहाँ के डायरेक्टर वहाँ के प्रोड्यूसर्स वो जगह देखेंगे और वो भी वहाँ पे शूटिंग करने आएंगे क्योंकि उनको चीज़ मिलेगी। तो आप देख सकते हो कि रेवेन्यू रिसोर्स का इससे बड़ा जो एक सुझाव नहीं हो सकता। जो जोधपुर के कलाकार हैं उन कलाकारों का साफ तौर पर यही कहना है कि अगर कोशिश की जाएगी तो कहीं ना कहीं सरकार अपने स्तर पर जो फिल्म की लोकेशंस हैं वहाँ पे सरकार की खुद की ज़मीन है, वहाँ पे फिल्म स्टूडियो स्थापित किए जा सकते हैं, बहुत अच्छा रेवेन्यू राजस्थानी फिल्मों से, हिंदी फिल्मों से, साउथ की फिल्मों के अलावा अंग्रेजी फिल्मों से शूटिंग के दौरान मिल सकता है। और साथ में सब्सिडी की जो मांग की गई है उसमें अगर सरकार गौर फरमाती है तो कलाकारों को तो प्रोत्साहन मिलेगा ही, साथ ही ऐसी फिल्में और अधिक बनना शुरू होंगी तो राजस्व भी मिलेगा। अब देखना है कि सरकार इस बारे में क्या ठोस कदम उठाती है। स्वर्गीय भवानी सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।